नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। खूबसूरत से बेबी स्वेटर का हम आस्तीन बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 45 डिजाइनर फंदे डाले हैं और 4 लाइन उल्टा उल्टा बुना है, जिससे देखिए 2 उल्टे फंदों की धारी सामने से भी आ गई है और पीछे से भी। तो 4 लाइन बुनने के बाद अब हम यहाँ पे डिज़ाइन सेट करेंगे। तो इसमें हम 4 डिज़ाइन डालेंगे। एक डिज़ाइन 9 फंदे का है तो 4 डिज़ाइन डालेंगे, तो 36 फंदा और एक फंदा साइड का 37 फंदा हुआ और 4-4 फंदे दोनों साइड के, तो टोटल हो गए 45 फंदे। तो इस तरह हम डिज़ाइन सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम ये डिज़ाइन कैसे सेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 45 फंदे हमने डाला है। अब हम 5 फंदे सीधा बुनेंगे। ये हमारे आस्तीन का 5वां लाइन है, तो हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये हम सारी बुनाई 9 नंबर की, यानी 9 नंबर के निडल से कर रहे हैं, तो 5 फंदे हमने सीधा बुना। अब हम ऊन को अपनी ओर करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, यानी यहाँ पे हमने जाली दिया है, फिर 2 फंदा सीधा बुना। अब देखिए, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक फंदा बनाएंगे। 2 का 1 किया, नेक्स्ट 2 फंदों को लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 2 फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। तो 5 फंदों को छोड़कर देखिए 3, 6 और 9, इन्हीं 9 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन अपनी ओर जाली देते हुए 2 फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 2 फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। 2 डिज़ाइन हो गया, फिर ऊन अपनी ओर 2 फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर इस फंदे को सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 2 फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। यहाँ पे तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा, अगले 2 फंदे हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 2 फंदा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 2 फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए लास्ट में 5 फंदे हैं, तो इन्हें हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये डिज़ाइन सेट हो गया। साइड साइड में 5-5 फंदे हैं और 37 फंदे में हमारा ये डिज़ाइन है। 37 स्टिच में हमारा बीच में डिज़ाइन पड़ा है। साइड साइड में 5-5 स्टिच हैं। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं। अब फिर हम 5 फंदे को सीधा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, और यहाँ हम अपने पिछली लाइन को ही दोहराएंगे, यानी ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे को इस फंदे को सीधा करेंगे, नेक्स्ट फंदे को लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा। अब 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। अब अगला डिज़ाइन, ऊन अपनी ओर, 2 फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर 2 फंदे को लेंगे और बैक लूप से 2 फंदे 2 का 1 कर देंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इसी तरह हम चारों डिज़ाइन को बुन लेंगे।
एंड अपनी ओर लास्ट में 5 फंदे हैं, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। इन्हीं दोनों लाइनों को हम एक बार और दोहराएंगे। देखिए ये 2 जाली बन गया है, हमें 3 जाली बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 जाली कंप्लीट हो गया है, यानी 6 लाइन बन गया। अब हम 4 लाइन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा। 4 लाइन हमें उल्टा उल्टा बुनना है ताकि 2 उल्टे फंदों की धारियां आ जाए। तो इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 लाइन उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब हम इस लाइन से फंदे बढ़ाएंगे, ये हमारा आस्तीन है, तो हमें ऐसे हर छठी लाइन में फंदे बढ़ाना है। तो इस लाइन में हम फंदे बढ़ाएंगे, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे में एक बार हम सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को हमें गिराना नहीं है, इसी में एक बार बैक लूप से एक और सीधा फंदा। तो ये हमारा 2 फंदा हो गया, एक फंदे में हमने 2 फंदा बना लिया, यानी एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब शेष फंदों को हम डिज़ाइन के मुताबिक बुनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 5 फंदा था, एक फंदा बढ़ने से ये 6 फंदा हो गया। अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को सीधा, फिर 2 फंदों को लेंगे, 1 2 दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। तो इन 6 फंदों को छोड़कर इन्हीं 9 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। तो इन्हीं 9 फंदों को हमें 4 बार दोहराना है। देखिए 4 डिज़ाइन है, यानी इन्हीं 9 फंदों को हमें 4 बार दोहराना है। अब देखिए 5 फंदे बचे हुए हैं, तो हम 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब चौथे फंदे को हमें गिराना नहीं है, बल्कि इसी फंदे में एक बार बैक लूप से एक और सीधा फंदा बनाना है, यानी चौथे फंदे में हमने 1 से 2 फंदा बना लिया है, एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। अब लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। मैंने रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो इस लाइन में हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, जैसे डिज़ाइन है वैसे ही हमें बुनना है और 4 लाइन कंप्लीट करना है। तो 4 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फंदे बढ़ाने के बाद मैंने 5 लाइन और बुन लिया है। अब ये 6ठा लाइन है और हम सामने की तरफ हैं, तो इस लाइन में भी हमें फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन अपने पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए। इस लाइन में हमें 4 लाइन, इस लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है। तो हम जो फंदे बढ़ाएंगे तो वो इसी क्रम में बढ़ाएंगे। अब देखिए कैसे बढ़ाते हैं, पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, अब दूसरे फंदे में हमें फंदा बढ़ाना है, तो एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर इसी फंदे को ऐसे घुमा के फिर एक बार और इसी में उल्टा। तो देखिए हमने दूसरे फंदे में 2 फंदे बढ़ा लिए, शेष फंदों को हमें उल्टा बुनते हुए लास्ट के सेकेंड लास्ट पे हमें आना है। अब हर 7वें फंदे में लाइन में हमें दोनों साइड में फंदे बढ़ाने हैं, ताकि एक निश्चित क्रम में ये आगे बढ़े। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टा बुनते हुए हम सेकेंड लास्ट पे आ गए हैं, तो इस फंदे में हमें 2 फंदा बनाना है, एक बार ऐसे उल्टा बुनेंगे और फिर इसी फंदे को ऐसे घुमाएंगे और फिर इसी में एक बार और फंदा। तो ये हमने यहाँ पे भी एक फंदे से 2 फंदा बना लिया, लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ा लिए। अब इसी तरह हमें हर 7
हर सातवीं लाइन में हमें दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ाने होंगे। हमें टोटल 15 फंदे बढ़ाने हैं, दो हमने बढ़ा लिए। और इस डिज़ाइन को देखिए, ये एक डिज़ाइन हुआ, ये दो डिज़ाइन हुआ। दो डिज़ाइन जैसे बना है, इसी तरह हमें 14 डिज़ाइन कंप्लीट करना है। देखिए, ये मैंने एक आस्तीन बनाया हुआ है, तो इसी तरह हमें 14 डिज़ाइन कंप्लीट करना है। हर सातवीं लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं। जब हमारा एक साइड में 15 फंदा हो जाएगा, 5 फंदा हमारा पहले से है और 15 फंदा हम और बढ़ा लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा टोटल 20 फंदा हो गया है। तो हमारा एक साइड में जब 20 फंदा हो जाएगा, तब हम बढ़ाना रोक देंगे, फंदे बढ़ाएंगे नहीं, बस अपने पैटर्न को, यानी ये 14 डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो इतना करने के बाद हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।